हाय ऑल, और बात करेंगे लालिका का मैच जो कि है सेविया और वेलेंसिया के बीच में। देखिए, दो कंट्रास्टिंग टीम्स यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, और लास्ट सीज़न वेलेंसिया 16th फिनिश हुए थे और सेविया 12th पोजीशन पे फिनिश हुए थे। हालांकि सेविया की स्टार्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन एंड में थोड़ा सा टेपर ऑफ कर गए थे। और वहीं पर वेलेंसिया घर पर अच्छा खेला था, लेकिन अवे फॉर्म में वो 12 गेम हारे थे, 3 जीते थे। तो वेलेंसिया अच्छे ट्रैवलर नहीं है, तो हमें लगता है कि सेविया इस मैच में बहुत फेवरेट रहेंगे और शायद 3 से 4 गोल कर सकते हैं, और जबकि वेलेंसिया शायद 1 गोल अगेंस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर 3-1 या 4-1 हमारे हिसाब से स्कोर लाइन रहेगा। देखिए, फॉरवर्ड लाइन में मैं आपको अगर बताऊँ कि हमने कैसे प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, बहुत लोगों ने यहाँ पर लोपेस नोगरोल को लिया है। देखिए, 97% लोगों ने लिया, लेकिन हमें लगता भी नहीं है कि वो स्टार्ट करेंगे। वो शायद जो मैचेस कप मैचेस होते हैं या यूरोपियन मैचेस में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 97% लोगों ने लिया। तो एक पल तो मैं भी सोच रहा था कि मैं इनको लूँ, लेकिन मैं स्टैट्स के हिसाब से टीम में बिलीव करता हूँ, और मैं आपको वही टीम सजेस्ट करूँगा जो मैं लगता है कि स्टैट्स के हिसाब से स्टार्ट कर सकती है। सेविया में देखिए, यूसुफ एंड नासरी जो प्लेयर हैं, ये इनका भी स्पेकुलेशन काफ़ी है कि क्लब में रहेंगे कि नहीं। मोरक्कन प्लेयर हैं, पिछले सीज़न में 8 गोल 1 असिस्ट किया था, तो हमें लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, हमने इनको लिया है। वहीं पर कंपस की मैं बात करूं, 4 गोल ही केवल किए थे, 11 मैचेस ही स्टार्ट किए थे, लेकिन प्लेयर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, तो शायद अगर ये स्टार्ट करेंगे तो इनको ज़रूर लीजिए। और वहीं पर एरिक लमेला जो टॉटनहम के लिए भी खेल चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 6 गोल किए थे, तो इनको हमने फ्रंट लाइन में रखा है। देखिए, लेजेंडरी रैकेटिच की मैं बात करूं, लास्ट गेम में 1 गोल 3 असिस्ट किए थे, लेकिन रैकेटिच के गोल्स असिस्ट के अलावा बाकी चीज़ें जो हैं, चाहे वो इंटरसेप्शंस है, टैकल्स है, रीबाउंड्स है, इनके काफ़ी पॉइंट आपको मिल सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वहीं पर रिबेरो अल्माइडा मैंने वेलेंसिया के प्लेयर लिए हैं। देखिए, वेलेंसिया के भी स्टैट्स जो थे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ कुछ प्लेयर्स अच्छे थे, जैसे कि रिबेरो अल्माइडा ने 2 गोल 4 असिस्ट किए थे, लेकिन इंटरसेप्शन टैकल्स काफ़ी अच्छे किए थे, इस वजह से हमने इनको रखा है। वहीं पर वेलेंसिया के और हमने कैस्टिलेजो को लिया, देखिए बहुत कम लोगों ने लिया है, लेकिन यहाँ पर इन्हें 4 गोल किए, इस वजह से इनको हमने टीम में लिया है। डिफेंडर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जेसस नवास मैन सिटी के भी प्लेयर रह चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यहाँ पर इनके भी लास्ट टाइम के काफ़ी प्रॉमिसिंग वो थे, स्टैट्स थे, तो जेसस नवास को हमने लिया है टीम में। और साथ में हमने यहाँ पर बाडे और अकुना को लिया, क्योंकि देखिए चांस काफ़ी अच्छा है कि ये आपको एक क्लीन शीट दे सकते हैं, और बाडे ने फ्रांस के लिए भी, ये काफ़ी करीब है कि फ्रांस नेशनल टीम के लिए भी खेल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वहीं पर वेलेंसिया के लिए गया जो है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस डिफेंडर हैं, और ये आपको काफ़ी स्टेबिलिटी दे सकते हैं पॉइंट्स में, क्योंकि इनके इंटरसेप्शन टैकल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये हमने टीम बनाई है। और साथ में गोलकीपर जो है हमने वेलेंसिया का लिया है। देखिए, ये टीम हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, और मे बी इसके अलावा जो भी टीम होगी हम लाइनअप अनाउंस होने के बाद कोशिश करेंगे कि आपको वो टीम भी देते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारे हिसाब से नेसरी और अकम्पस अगर स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे, बाकी जो भी टीम लाइनअप अनाउंस होने के बाद होगी हम आपको बता देंगे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, और प्ले वेल लेकिन रिस्पॉन्सिबली।